हाय माय लवली व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू मधुस फूड फन हेल्थ। आज आप ही लोगों की डिमांड पर चिकन को कैसे मिंस करना है, मतलब जैसे कैसे चिकन कीमा बनाना है अपने फूड प्रोसेसर में, वो मैं बता रही हूँ। तो ये शार्पेस्ट ब्लेड मैंने ले लिया है और इसको अब हम फिक्स कर देंगे। फिक्स कैसे करना है ये मेरा डिटेल्ड वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, इसमें भी हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। मशीन चालू कर दी है, ऑन है, ब्लेड हमारा अंदर घूमना शुरू हो गया है और अब बोनलेस चिकन के मैंने पीसेस ले लिए। ये मैं पहला तरीका बता रही हूँ मिंस करने का। हम दो तरीके से मिंस करेंगे, तो आधा चिकन मैं इस तरह से मिंस कर रही हूँ आपके सामने, मशीन चल रही है, एक एक करके हम उसमें डालते जा रहे हैं। जो ये शार्पेस्ट ब्लेड है अंदर, वो उसको अच्छे से कीमा बनाता जा रहा है, ठीक है। पहला तो ये तरीका हो गया। ये मैंने एक्चुअल टाइम जो चला है जितनी देर उतना ही मैंने लिया है, इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया है, सो दैट आपको पता चले कि कितनी जल्दी इसमें हो जाता है। बस ब्लेड निकाल दें और ये देखिए आपके सामने। अब दूसरा तरीका, मैंने चटनी जार ले लिया है, जो हमारा चटनी जार होता है ना जिसमें हम चटनी पीसते हैं, उसको इसी पे फिक्स किया और ये आधा मैंने रखा था, इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जार को कभी भी ऊपर तक फिल मत कीजिए, आधा या आधे से थोड़ा ऊपर बस। अब इसको चला देंगे लेकिन हल्के हल्के, तीन बार मैंने बस चलाया है और ये देखिए ये भी वैसे ही बिल्कुल मिंस हो गया, बिल्कुल कीमा बन गया हमारा दोनों तरीके से। अब आप अपने आप चूज कीजिए कि आप किस तरह से मिंस करना चाहते हैं। थोड़ी क्वांटिटी है तो चटनी जार में कर लीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप चॉपिंग ब्लेड लगाकर फूड प्रोसेसर के जार में कर दीजिए। सो कैसा लगा आपको ये टिप, आप ही लोगों की डिमांड पर था। फिर मिलेंगे ऐसा ही कुछ लेकर फूड प्रोसेसर से रिलेटेड।